सड़क पर चालान काटने का ये नया तरीका बिहार पुलिस ने इजाद किया है, जिसका वीडियो फिलहाल वायरल है। जमुई पुलिस ने गुरुवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस की इसी कार्रवाई का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस वाले बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे युवकों को रुकने के लिए कहते हैं। वो गाड़ी नहीं रोकते तो पहले एक कांस्टेबल उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ता है, उन्हें डंडे से पीटता है। इसके बाद दूसरा कांस्टेबल चलती गाड़ी से धक्का मारकर दोनों को नीचे गिरा देता है। जब कांस्टेबल को यह एहसास होता है कि कोई उसका वीडियो बना रहा है तो वो सीधे वहां से निकल जाता है। दरअसल गुरुवार को वाहन चेकिंग महाअभियान की शुरुआत होती है। जिला मुख्यालय में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाती है और हेलमेट चेकिंग के साथ साथ परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को फाइन करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी बीच स्कूटी पर सवार ये दो युवक बिना हेलमेट पहने वहां से गुजर रहे होते हैं। पुलिस की नज़र उन दोनों युवकों पर पड़ती है। फिर क्या था, उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन युवक रुकने के बजाय स्पीड तेज कर भागने का प्रयास करता है कि पीछे से बिहार के जवान चटका देते हैं लाठियां युवक के शरीर पर, जिससे वो अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। पीछे से पुलिस वाले भी उसे धक्का देते हैं। युवक को काफी चोटें आई हैं। जिस तरह से पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की और लाठियां मारी और जिस तरह से वो गिरा, उस स्थिति में कुछ भी हो सकता था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ और दो जवानों के कारण बिहार पुलिस की जमकर किरकिरी हुई। इस मामले के तूल पकड़ने पर जमुई पुलिस ने पूरे मामले और घटनाक्रम की जांच के लिए कमेटी बना दी और जांच रिपोर्ट आने पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कही। इसमें एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, परिवहन विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान वाहन चेकिंग का चलाया गया है और इसमें एक घटनाक्रम, जैसा कि मीडिया और अन्य माध्यम से सामने आ रहा है कि सिपाही के द्वारा कोई स्कूटी को धक्का देने का या इस तरह का मामला आया है। इस संबंध में जो भी पुलिस पदाधिकारी वहां उपस्थित थे उनसे स्पष्टीकरण किया गया है और साथ ही एक जांच रिपोर्ट की मांग की गई है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्दी ही एक जांच रिपोर्ट समर्पित करेंगे और जांच रिपोर्ट में जो भी पदाधिकारी या कर्मी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। जो वीडियो सब सामने आया उसमें पुलिस डंडा चलाते नजर आ रही है और स्कूटी सवार बच्चे को धक्का दे रही है, तो ये कहां से उचित है कि किसी पर नहीं, अभी जो वीडियो अभी आया है उसकी फिलहाल, जैसे मैंने बताया कि इसमें अभी जांच की जा रही है किन परिस्थितियों में सिपाही के द्वारा ऐसा करना पड़ा, स्कूटी पर कौन थे, कहां जा रहे थे, सारे बिंदुओं पर जब जांच आ जाएगी और किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया तो परिस्थिति के अनुसार ही हम लोग निर्णय लेते हुए इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी जांच के बाद ही। हम ये जानना चाहेंगे सर, उस अगर हेलमेट वो नहीं पहने हुए थे, हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन उस पर डंका चलाना कहां तक उचित? नहीं, बात हेलमेट की नहीं है, हेलमेट पहना था नहीं पहना था या हेलमेट न पहनने के कारण ऐसा हुआ, अभी इस संबंध में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। जांच अभियान चल रहा था लेकिन जो परिस्थिति घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले पर पीड़ित युवक से भी बिहार तक ने बात की, उसने अपनी पूरी कहानी बताई। युवक सुमन ने अपनी गलती मानी कि वह बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये भी कहा कि पुलिस वालों ने जिस तरह से उसे रोकने का प्रयास किया और लाठियां मारी, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। बिहार पुलिस का विवादों से पुराना नाता रहा है और इस बार विवाद का वजह बना है जमुई। जमुई में गुरुवार को वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक की इस कदर पिटाई की कि उसकी जान जाते जाते बची। मेरे साथ है सुमन, जिसकी पिटाई बिहार पुलिस के एक जवान ने की थी। सुमन, पूरा वाकया क्या था, पूरी घटना क्या है, पूरी विस्तार से बताएं तो। सर, हम दो लड़का थे, एक लड़का यहीं पे टेलर्स कंप्यूटर में मतलब सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था। उसके बाद मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, वहां से हम चल गए डॉक्टर के पास। उसके सर वहीं से घर जा रहे थे, तो सर मोड़ के पास बस चार पांच पुलिस आया, उसमें डंडा बरसाने लगा, उसको धकेल दिया सर, पैर सर चोट आ गया, गिर गए। मीडिया लोग वहीं पे आता सर। क्यों पुलिस आपको आपके ऊपर डंडा चला दिया? सर हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट पहनना तो आपकी सुरक्षा के लिए है, हेलमेट सुरक्षा के लिए पहना जाता है। हेलमेट था सर, पापा को दे दिए थे उसी टाइम, डॉक्टर के पास पापा भी थे तो पापा को हेलमेट दे दिए थे सर। तो हम से घर जा रहे हैं तो निकल जाएंगे। पुलिस ने आपके ऊपर डंडे भी चलता है? हाँ सर, दो डंडा मारे हैं।
तो पुलिस आपको रोकने की कोशिश की, आप रुके नहीं, आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, आप भागने लगे। गाड़ी का स्पीड स्कूटी था सर, स्कूटी का थोड़ा सा मतलब ब्रेक में वो लूज था, हम रोक ही रहे थे, डंडा बरसा दिया, अनबैलेंस हो गया, अब उसके बाद उधर से आके आगे से आके उसको धकेल दिया सर। धकेल दिया तो कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? सर यहाँ पे डंडा से मारा, उसको यहाँ पे चोट लगा पैर में, पैर में। इलाज कराया होंगे? हाँ सर इलाज कराया। अब सवाल ये यहाँ उठता है कि क्या बिहार पुलिस के लिए नियम तोड़ने वालों के जान की कोई कीमत नहीं? देखने वाली अब बात ये होगी कि इस मामले में बिहार पुलिस के अधिकारी जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करते भी हैं या कार्रवाई करने की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ये थी जमुई से राकेश सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।